प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के इस लम्हे में एक बार फिर से मेरा आपको सलाम और हाउस ऑफ गॉड बिलीवर चर्च में आपका स्वागत है। आज 5 मिनट, ओनली 5 मिनट्स में आपका लेने के लिए आ जाता हूँ, और सुबह सुबह जब आप ये वचन सुनेंगे आज का दिन आपके लिए शुभ हो। और जब ये 5 मिनट आप दे रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि आप 3 घंटे मूवी में और तमाम बातों में पार्टी में दे रहे हैं, लेकिन 5 मिनट अगर ये शुभ संदेश सुनेंगे हाउस ऑफ गॉड रेवरेंस सुनील मसीह के द्वारा, तो आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। जब हम मत्ती 6 में चल रहे हैं, और कल आपने सुना था सावधान रहो, किस बात से सावधान रहें, कल बताया गया था आपको कि आप जब संसार में चल रहे हैं, जिसने यीशु मसीह से प्रेम किया वो संसार से प्रेम नहीं कर सकता, और जो संसार से प्रेम करता है वो यीशु मसीह से बैर करता है। मेरे अजीज, सावधान रहें, आपका उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना कपड़ा सब परमेश्वर को पसंद आए, कोई आप पे उंगली ना उठा सके। मेरे अजीज, हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी आयत में ऐसे लिखा है, इसलिए जब तू दान करे, मैथ्यू 6 उसके सेकंड वर्ड्स में लिखा, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा जैसे कपटी सभाओं में गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ जानने ना पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग भंडारा करते हैं, ये उसका भंडारा, इसका भंडारा, सुनील का भंडारा, मसीह का भंडारा, भंडारा कर रहे हैं लोग। पहले से बता रहे भंडारे में आना, भंडारे में आना, भंडारे क्या क्या शो करना चाहते हैं। आप बहुत लखपति हैं, बहुत करोड़पति हैं, आपने बहुत दान चढ़ा दिया है। मेरे अजीज, आपने बहुत बड़े काम कर दिए हैं, बड़े बड़े मंदिर बनवा दिए, और आप तुरही बजवा रहे हैं, उस पर नाम लिखा किसके सौजन्य से, इसके सौजन्य से। मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जो अपने आगे तुरही बजाता है और बताता हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, उसका प्रतिफल स्वर्ग से नहीं मिलेगा। आपकी दान यही आकाश में रह जाएंगे। अगर आप परमेश्वर को देना चाहते हैं तो गुप्त दान दें, ताकि जो मेरा पिता जो स्वर्गीय पिता है वो गुप्त में बैठ देखता है, और अपने दाहिने हाथ से दें तो लेफ्ट हैंड को पता ना चले, बाएं हाथ को पता ना चले। दान दान किसे कहते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दान किसे करना है। मेरे को पास एक फ़ोन आया कि ग्रेवयार्ड में एक डेड बॉडी आई है और उसको दफनाने के लिए भाई साहब पादरी साहब कुछ नहीं है और हम चाहते हैं कि आप कुछ दान करें। मैंने कहा ठीक है। बोले आपके नाम पे 500 रुपये लिख दें। मैंने कहा बिल्कुल लिख दीजिए, मैं ये तुरही नहीं बजा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ दान। तो उस डेड बॉडी को दफनाने के लिए दान इकट्ठा किया गया और बॉडी दफनाई गई। मेरे पास एक बार फिर फ़ोन आया कि एक विधवा है, उसकी बेटी की शादी होनी है, और क्या आप उसका दान कर सकते हैं, बहुत गरीब है। हमने कहा बिल्कुल दान करेंगे, हमने कहा गैस सिलेंडर दे देंगे, आपको बताइए क्या चाहिए, बर्तन चाहिए, ये दान होता है। मेरा अजीज, मेरे प्रभु यीशु मसीह को आपका दान नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतना अमीर था कि उसने खुद कंगाल बन गया, गरीब बन गया, हमें अमीर बना दिया। वो राजा का राजा महाराजा है, उसे दान नहीं चाहिए। मेरे अजीज, आज चंदा लोग इकट्ठा कर रहे हैं, चंदा भी नहीं चाहिए। चंदा किसके लिए किया जाता है, मैं आज आपको बता दूँ। जो भूखे हो रहे हैं कि भैया चंदा इकट्ठा कर लो, ये वाला काम करना है चंदा इकट्ठा कर लो, किसी को दफनाना है तो चंदा इकट्ठा कर लो, किसी के लिए शादी करनी है तो चंदा इकट्ठा कर लो। मैं आपको बता दूं, ना चंदा चाहिए ना दान चाहिए मेरे प्रभु यीशु मसीह को। मेरा यीशु मसीह राजाओं का महाराजा है, उसे भेंट चाहिए। जब आप प्रभु के घर में जाते हैं तो छूछे हाथ ना जाएं। मेरे वचन में लिखा हुआ है जब प्रभु के घर में जाएं, वो राजाओं का राजा महाराजा है, उसके लिए तो भेंट चढ़ा गई थी, सोना मूल्यवान। मेरे अजीजों, दान की बात आ रही है, मैं फिर दान पे वापस लौट के आता हूँ, और जो कि आपको मिलेगा 2 कुरिन्थियों और उसके 9 बाप में और उसकी 6 आयत में ऐसा लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, जो कि परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। मेरे अजीजों, आपको दान करना है तो यहाँ लिखा है हर्ष दान से परमेश्वर खुश होता है। जब मेरा यीशु मसीह चलता था उसके पास भी एक ट्रेजरार था, उसका नाम ये होता है स्क्रूती था, उसके पास एक थैली रहती थी, लेकिन परमेश्वर ने कभी किसी से मांगा नहीं। उस जब भी लोगों ने दिया, हर्ष दान दिया, परमेश्वर ने उसे आशीष दी। अगर आप देते हैं तो आप उसकी तुरी मत बजाइए अपने सामने, मैंने तो ये बेंच बनवा दी, मैंने ये टीवी लगवा दिया, मैंने ये दीवार चुनवा दी, मैंने ये वाला पुलपिट खरीद के दे दिया। क्या परमेश्वर कह रहा है जब तू दान करे, किसी की मदद करे तो दाहिने हाथ से दे तो बाएं हाथ को ना पता चले। लेकिन हम तो तुरी बजाएंगे, हम तो अपना नाम ऊंचा करना चाहेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, क्या स्वर्ग में जो रखी पुस्तक उसमें आपका नाम दर्ज होगा, कभी नहीं होगा।
इसलिए परमेश्वर कह रहा है जब तू दान करे तो कुड़कुड़ के मत कर, हर्ष दान से परमेश्वर खुश होता है। मेरे अजीज़ो, बड़ा अच्छा बात कहना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर के घर में आए तो हर्ष दान दें, और दान की हर्ष से परमेश्वर हर्ष दान से खुश होता है, प्रसन्न होता है। आगे लिखा हुआ है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। आगे लिखा, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। जिसने कंगालों को दिया उसका धर्म सदा बना रहेगा। दान की बात आ रही है कि जब आप दान दे रहे हैं तो मेरे अजीज़ो गुप्त दान दें, दाहिने हाथ से दें तो बाएं हाथ को ना पता चले। मुझे अच्छा लग रहा बताते हुए कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो 10 जगह मत गाइए, मैंने उसको ये क्या, आज ये डॉक्टर बन गया मेरी वजह से बन गया, आज ये इंजीनियर बन गया तो मेरी वजह से बन गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप जब किसी की मदद करें, किसी की सेवा करें तो उसका प्रतिफल स्वर्ग से मिलेगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ट्राइंगलर में मिलता है। आपने आज भाई राजू की मदद की है तो प्रभु यीशु मसीह देख रहा है, और वो मदद ऊपर जाती है, ऊपर से फिर वापस आती है, क्योंकि उसका भंडार भरा हुआ है। मांगते तो पर मिलता नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप इस तरह से दान करेंगे, क्या सिर्फ परमेश्वर देखे, गुप्त दान देखे, तो प्रतिफल स्वर्ग से आपके जीवन में आएगा। और उसने कहा, मैं आकाश के झरोखे वो कह रहा खिड़की खोलकर अपरंपार की बारिश आपके जीवन में करूँगा। क्या आप इस बारिश को लेने के लिए तैयार हैं? तो आप एक काम करें, जब दान करें तो हर्ष दान करें, खुदा के लिए करें। मुझे एक जगह से और पढ़ना है जो कि कुलुसियों की पुस्तक और उसकी 3:23-24 में से लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले में प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु की सेवा करते हो। जब कभी दान करो ये सोच के, कंगालों को दो, विधवाओं की मदद करो, अनाथों की सेवा करो, बीमारों की सेवा करो, ये है आपका असली दान। मैं कहना चाहता हूँ दान असली, आपका सबसे बड़ा दान क्या है? अभी TV में आ रहा था, जो आँखें दान करते हैं सबसे बड़ा दान है दुनिया का, क्योंकि लोग आँखें दे रहे हैं। किसी ने कहा रक्तदान महादान, मैं कह रहा हूँ सबसे बड़ा दान वचन का दान है। जो आप वचन सुना रहे हैं कंगाल आशीष पा रहे हैं, आत्माएं बच रही हैं, स्वर्ग के राज्य में जा रही हैं। सबसे बड़ा दान है कि आप किसी एक को बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, आपका पड़ोसी है, आपके पास समय है, आप जाके उसको सुसमाचार प्रचार करें और कहें मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, मेरा यीशु मसीह जल्द आने वाला है बादलों पर। अगर आपने ये वाला दान किया है, लोगों को वचन सुनाया है, आप किसी के लिए आशीषित हुए हैं, तो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने आत्माएं बचाई हैं, नशे पत्ते वाले को बचाया, जुआनी को बचाया, बीमार को चंगा किया है, और अंधे को आंखें मिली हैं, कोढ़ी शुद्ध हो गया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने पड़ोसी के लिए आशीष का कारण बने, अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बने, आप आत्माओं को जीते। यीशु मसीह का सबसे बड़ा दान वचन का दान है। इस वचन के दान से आपको आशीष मिले कि जब आप वचन सुनाने जाए, हम तो उनके घर जाते हैं, हम तो उन्हें वचन सुनाते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह सब स्वर्ग से बैठे देख रहा है, और वह गुप्त दान स्वर्ग से आपको देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। यीशु मसीह इस वचन से आपको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं प्रार्थना में जा रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह जिस इस वचन को जिन्होंने सुना है व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, ये छोटा सा वचन है कि दान क्या है। मेरे प्रभु यीशु मसीह ना चंदा चाहता ना दान चाहता, वो तो हर्ष दान से प्रसन्न होता है। प्रभु यीशु मसीह को अगर देना है तो भेंट चढ़ाइए, क्योंकि वो राजाओं का राजा है। दान तो किसको चाहिए वो आपको मैंने बताया, और उन कंगालों को जाके दान दीजिए जिनको जरूरत है, भूखे हैं, प्यासे हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। इस लॉकडाउन में लोग परेशान घूम रहे हैं, नौकरियां चली गई हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही है। आप सेवा करिए ना, चुपचाप से सेवा करिए, किसी को पता ना चले। लोग प्रभु यीशु मसीह दान करते हैं, फोटो खिंचवा के वे फेसबुक पे डाल रहे हैं, व्हाट्सएप डाल रहे हैं, देखिए हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं। ऐसा दान परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं। जब राइट हैंड से दें तो लेफ्ट हैंड को नहीं पता चलना चाहिए। मेरे अजीज़ो, जब दान करें तो किसी की इंसल्ट ना करें, चुपचाप से जाएं, उसके घर में राशन डाल दें, जिसको भूखा है, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है चुपचाप से कपड़े दे दें। मैं बताना चाहता हूँ जिसके पास घर नहीं है उसे अपने घर में रख लें, विधवाओं की मदद करें, कैदी से मिलने जाएं, बड़े चुपचाप करें, दिखावा ना करें, अपने आगे तुरी ना बजाएं, नहीं तो आपका दान एक्सेप्ट नहीं होगा, आपको कुछ प्रभु से मिलने वाला नहीं है। अगर आप प्रतिफल चाहते हैं तो गुप्त में करें। यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं 3 बहनों के लिए, विशेष सिस्टर मधुबाला के लिए, उनके परिवार के लिए। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर अनुपमा के लिए, उनकी बेटी और बेटे के लिए, बड़ी आशीष, बुद्धि और आत्मा से भर। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर कंचन देवी के लिए, उनका बेटे और बेटी के लिए, प्रभु उन्हें बुद्धि दे, समझ दे, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छा
नौकरी उन्हें मिलने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इन तीनों बहनों को आज आपने आशीष दिए, उनके परिवार में आशीष से आ रही, ईश्वरों का भंडार खोलकर प्रभु अपरंपार की बारिश कर रहे हैं, किसी भली वस्तु की घटी ना रहे। आज जो ये वचन सुन रहे हैं कोरोना वायरस से संक्रमित लोग चंगे हो रहे हैं और भारत देश में कोरोना वायरस आज अथाकुंड नरक में जा रहा है। यीशु मसीह हाउस ऑफ गॉड जब ये प्रार्थना कर रहा है, हमारे प्रार्थना योद्धा प्रार्थना कर रहे हैं, आज बहुत सारी चंगाई आ रही है, बहुत सारी गवाहियाँ मिलेंगी और प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने चंगा किया है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।